आईपीएल 2025 के लिए कल से मेगा ऑप्शन होना है और यह मेगा ऑप्शन दो दिन तक चलने वाला है, यानी 24 और 25 नवंबर के बीच कई सारे खिलाड़ियों का किस्मत पलटने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस टीम ने आईपीएल रिटेंशन में कितने पैसे खर्च किए और अब उनके पास मेगा ऑप्शन के लिए कितने पैसे बचे हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों के पास कितने पैसे थे। तो आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों के पर्स में कुल 120 करोड़ का अमाउंट फिक्स था, जिसमें रिटेंशन का अमाउंट भी शामिल है। तो आइए जानते हैं किस टीम ने रिटेंशन में कितने पैसे खर्च किए और अब उनके पास मेगा ऑप्शन के लिए कितने पैसे बचे हैं। तो हमारा पहला टीम है राजस्थान की टीम। जी हाँ, राजस्थान की टीम ने आईपीएल 2025 के लिए कुल 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है और इन 6 प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए उन्होंने 79 करोड़ खर्च कर दिए, यानी अब उनके पास मेगा ऑप्शन के लिए सिर्फ 41 करोड़ ही बचे हैं। तो हमारा अगला टीम है आईपीएल इतिहास का सबसे सफल टीमों में से एक, मुंबई इंडियंस। मुंबई की टीम ने आईपीएल 2025 के लिए 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और इन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए उन्होंने 75 करोड़ खर्च कर दिए, यानी उनके पास मेगा ऑप्शन में खर्च करने के लिए सिर्फ 45 करोड़ ही होंगे। तो हमारा अगला टीम है पिछले सीजन के फाइनल खेलने वाली सनराइजर्स हैदराबाद। एसआरएच की टीम ने भी कुल 5 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है और उन्होंने भी मुंबई की तरह इन 5 प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए 75 करोड़ खर्च किए, तो हैं उनके पास भी मेगा ऑप्शन में खर्च करने के लिए 45 करोड़ ही होंगे। तो हमारा अगला टीम है पिछले सीजन के चैंपियंस केकेआर। जी हाँ, तो केकेआर ने आईपीएल 2025 के लिए कुल 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम शामिल नहीं है और इन 6 प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए केकेआर की टीम ने कुल 69 करोड़ खर्च किए। बाकी अब उनके पास मेगा ऑप्शन में खर्च करने के लिए 51 करोड़ का फर्स्ट वैल्यू है। तो हमारा अगला टीम है सीएसके। जी हाँ, सीएसके ने भी आईपीएल 2025 के लिए महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है और इन 5 प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए उन्होंने 55 करोड़ खर्च किए। बाकी उनके पास भी मेगा ऑप्शन में खर्च करने के लिए 65 करोड़ का फर्श होगा। तो हमारा अगला टीम है गुजरात। गुजरात की टीम ने भी आईपीएल 2025 के लिए कुल 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है और इन 5 प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए उन्होंने 51 करोड़ खर्च कर दिए, यानी आईपीएल मेगा ऑप्शन के लिए गुजरात के पास 69 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। तो हमारा अगला टीम है एलएसजी। जी हाँ, लखनऊ की टीम ने भी आईपीएल 2025 के लिए 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है और इस दौरान उन्होंने भी 51 करोड़ खर्च कर दिए। बाकी मेगा ऑप्शन के लिए लखनऊ के पास 69 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। तो हमारा अगला टीम है दिल्ली कैपिटल्स। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2025 के लिए सिर्फ 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया है और इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए दिल्ली की टीम ने कुल 42 करोड़ खर्च कर दिए। बाकी आईपीएल मेगा ऑप्शन में दिल्ली के पास अब खर्च करने के लिए 73 करोड़ का अच्छा खासा अमाउंट है। तो हमारा अगला टीम है आरसीबी। जी हाँ, आरसीबी की टीम ने इस बार सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को रिटेन किया है। इन 3 प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए आरसीबी की टीम ने कुल 37 करोड़ खर्च किए। बाकी आईपीएल मेगा ऑप्शन के लिए आरसीबी के पास 83 करोड़ का अच्छा खासा रकम बचा हुआ है। तो हमारा अगला टीम है पंजाब की। जी हाँ, इस मेगा ऑप्शन अगर कोई टीम सबसे ज़्यादा पैसे लेकर जा रही है तो वो है पंजाब की टीम। पंजाब की टीम ने आईपीएल 2025 के लिए सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया है, वो भी सिर्फ 9.5 करोड़ में, यानी इस मेगा ऑप्शन पंजाब के पास 110.5 करोड़ का बड़ा पर्स होगा। तो इस मेगा ऑप्शन सबसे ज़्यादा पैसे लेकर जाने वाली टॉप 3 टीम है पंजाब किंग, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स। तो वहीं सबसे कम पैसे लेकर जाने वाली टीम है राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल के पास इस मेगा ऑप्शन खर्च करने के लिए सिर्फ 41 करोड़ ही होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, इस 41 करोड़ में राजस्थान की टीम एक अच्छी खासी टीम बना पाएगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि इस मेगा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बड़ी बोली किस पर लगेगी। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।